एक्चुअली जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, उसके भी कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, जो कभी कभार बहुत स्लो हो जाता था, कुछ चीज़ें हैं, अब ये लोगों के ऊपर है किस तरीके से वो किस चीज़ को कंसीव करते हैं। और अब जो अब नया श्री कृष्ण, जो नया बाल कृष्ण आप देखोगे, उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देख सकते हो, कुछ नई रिसर्च के साथ आ रहे हैं ये शो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आई थिंक वो भी शो बहुत अच्छा था, ये भी शो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो है कृष्ण की लीलाएं देखने को मिलेंगी, और क्यों लीला थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, कैसा इंटरप्रिटेशन था, वो सब आप देख सकते हो शो में। सबसे पहले जब यशोदा का कैरेक्टर मुझे ऑफ़र किया गया, जब सिद्धार्थ तिवारी सर ने जब ये शो ऑफ़र किया, तो सबसे पहले यशोदा जो माँ थी कृष्णा की, सबसे पहली याद मुझे मेरी माँ की आई, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे रखती थी, प्यार करती थी, सजाती थी, ठीक उसी तरह यशोदा जी कृष्णा को हमेशा सजा के रखती थी, संवारती थी, अगर कुछ कुछ गलत करते थे तो पनिश भी करती थी, परेशान होकर पनिश भी करती थी, लेकिन दिल से कभी पनिश नहीं कर पाती। वो एक माँ की असलियत है, वो दिल से कभी भी अपने बच्चे को पनिश नहीं कर पाती। बहुत शैतानियाँ करता है जयवल, सही में बहुत बड़ा मस्तीखोर है, जिस तरह के से कृष्णा थे, आई थिंक ही इज़ क्लोज टू इट। एंड मैं अभी तक हमने शूट जो भी किया, जैसे कि हमने प्रोमो शूट किया, तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मनवाना पड़ता है, और इस तरीके से काम होता है। खैर, मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, वो सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है, और मुझे बहुत क्यूट लगता है। हमारे सारे दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। हैप्पी होली।